Now we have to discuss moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is a device used for detection and measurement of small electric currents. अगर किसी सर्किट में स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स और मिली एम्पियर्स देन वी कैन यूज अ गैल्वेनोमीटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट। और अगर हमने लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट को फाइंड करना हो तो हम इसी गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एंड गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। कि सपोज आपको गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी आपको नॉलेज है। सपोज आईजी करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड आपको इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के बारे में भी पता है। फॉर एग्जांपल इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज जी देन आईजी इनटू जी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स एज वेल एज स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। A current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque and rotates. This is the principle of galvanometer. This we have discussed in our last video. I'll give you link of that video in the description box. Ke agar hamare paas koi current carrying coil hai and we have placed that coil in the magnetic field to uspe torque lagega aur wo rotate karegi. Isi principle pe electric motor work karti hai. Same is the principle of galvanometer. So now we have to discuss its construction. तो गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले हम ये कॉइल डिस्कस करेंगे। आप ये ऑरेंज कलर देख सकते हो। सो दिस इज अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड ये एक हम इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करते हैं यहाँ पे। और इस वायर को हमने एक मेटालिक फ्रेम दिया है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ मेटालिक फ्रेम। इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। इस मेटालिक फ्रेम के ऊपर हमने इस कॉइल को वुंड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वुंडेड ओवर दिस एल्युमिनियम फ्रेम। और ये जो एल्युमिनियम फ्रेम है वो नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम होता है। एक्चुअली हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसमें हम स्पेशल काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं गैल्वेनोमीटर में जिसे हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी तरह इफेक्ट हो। तो यहाँ पे जो हम फ्रेम यूज करते हैं वो हम नॉन मैग्नेटिक यूज करते हैं। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ये एक सिलेंडर है। एल्यूमिनियम फ्रेम है उसे आपने एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अलोंग फिक्स किया हुआ है। और ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम है इट कैन मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर देन वी हैव एल्यूमिनियम फ्रेम एंड ओवर दैट एल्युमिनियम फ्रेम वी हैव वुंडेड अ कॉइल। मैं आपको इसकी एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगी उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हमने सब कैसे फिक्स किया हुआ है। नाउ दिस कॉइल इट इज प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट्स। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये हॉर्स शू मैग्नेट्स है। आप यहाँ नॉर्थ पोल ले सकते हो यहाँ साउथ पोल ले सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने कॉपर कॉइल ली है वो हमने हॉर्स शू मैग्नेट्स के बीच में प्लेस की है। तो हॉर्स शू मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इज कॉइल इज फिक्स्ड विद टू फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप टू क्रिएट रिस्टोरिंग टॉर्क। अब कॉइल के ऊपर और कॉइल के नीचे ये दो स्प्रिंग्स हैं। यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है और यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है। तो इन स्प्रिंग्स के साथ ये कॉइल अटैच्ड है। सो यू कैन से दैट दिस कॉइल इज सस्पेंडेड यूजिंग दीज टू स्प्रिंग्स ऑन द टॉप एज वेल एज ऑन द बॉटम। तो ये क्या करते हैं ये मोशन ऑफ कॉइल को कंट्रोल करते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम बाहर से करंट सप्लाई करेंगे तो ये कॉइल रोटेट करेगी और उस कॉइल की रोटेशन को ये दोनों स्प्रिंग्स कंट्रोल करेंगे। तो आप इसे कुछ ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है यहाँ ऐसे मेटालिक फ्रेम पे कॉइल वुंड है और यहाँ नीचे भी एक स्प्रिंग है। अब आपने जो एग्जाम में यूज करनी है फिगर वो ये वाली फिगर यूज करनी है। ये इसी फिगर का टॉप व्यू है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो इस फिगर को। जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ ये पार्ट कॉइल का दिखाई देगा। वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज द कॉइल यू कैन ऑब्जर्व। और ये जो ये स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर से आपको क्या दिखाई देगा ये हॉर्स शू मैग्नेट आपको ऐसे दिखाई देंगे। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल।
जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी आगे रोटेट करेगा, तो वो पॉइंटर हमने ऐसे शो किया हुआ है। सो अ लाइट एल्युमिनियम पॉइंटर इज अटैच्ड टू द कॉइल विच मेजर्स अ डिफ्लेक्शन, कि जब भी इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगी, और इस जब ये रोटेट करेगी उसी के साथ ये पॉइंटर रोटेट करेगा और फिर हम अपनी रीडिंग ले लेंगे। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्पेशल काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से आएंगी, एक्चुअली में ये ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, फिर यहाँ से स्ट्रेट जा रही हैं, फिर ऐसे जा रही हैं, फिर ऐसे जा रही हैं। सो दिस इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम अचीव करते हैं यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, एंड यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये जो सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम फ्रेम लगाया है और कॉयल वून की है, ये सॉफ्ट आयरन का बना है, एंड सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। तो फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने बीच में से पास करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी वो सारी इस मटेरियल के अंदर से पास होंगी। तो ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। तो जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे तो होगा क्या, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से पास करेगा वो भी ऐसे ही है। मतलब प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अब सपोज टॉर्क लगा, और टॉर्क जब लगा तो सपोज हमारी ये कॉइल है वो रोटेट कर गई, रोटेट करके सपोज उसकी पोजीशन ऐसे आ गई। अब प्लेन ऑफ कॉइल ये वाला बन गया, और अब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास कर रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो अब भी प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का ये फायदा होता है दैट ऑलवेज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 डिग्री। सो इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल इन ऑल पोजिशंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा अगर हम एंगल लें बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आएगा 0 डिग्री। अब अगर मैं इस प्लेन ऑफ कॉइल पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसका मतलब कि हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। सो एट ऑल पोजिशंस थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। Theta is the angle between plane of coil and magnetic field, so this is 0 degree, and alpha is the angle between magnetic field and perpendicular to plane of coil. तो हर position, चाहे coil ऐसे है, चाहे coil इस direction में आ गई, चाहे इस direction में आ गई, जैसे भी coil rotate कर जाए हमेशा theta 0 degree रहेगा, और we can say that alpha will be equal to 90 degree. Now we will see small animated video जिससे आपको इसकी construction और working बिल्कुल clear हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैग्नेट का, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, और ये इसका नॉर्थ पोल है एंड ये इसका साउथ पोल है। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, और इस आयरन कोर के ऊपर हमने एक एल्यूमिनियम फ्रेम लगाया है, और उस एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर हमने कॉइल को वून लग किया है, एंड जो कॉइल है वो ऐसे पॉइंटर के साथ अटैच्ड है, and this aluminium frame is free to rotate. So इसमें ये दोनों horseshoe magnets है जो radial magnetic field generate करती है, अंदर आपका iron core है और उसके ऊपर aluminium frame है, this is aluminium frame है जिसके ऊपर हमने coil को rotate करवाना है, and this frame is free to rotate, और उसके साथ एक pointer attached है। अब जब आप बाहर से स्विच ऑन करोगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करेगी, और रोटेट करके वो आगे जाएगी, ऐसे वो रोटेट होगी।
ठीक है, और पॉइंटर आगे को मूव करेगा। जैसे ही ये वाली कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग में भी एक टॉर्क जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे सपोज आपके पास एक सिंपल स्प्रिंग हो, सिंपल स्प्रिंग, अगर आप इसे यहाँ पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि ये स्प्रिंग में एक और फोर्स जनरेट हो जाता है, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हम ये एक सर्कुलर स्प्रिंग लेते हैं यहाँ पे, तो जब ये कॉइल आगे को जाएगी तो स्प्रिंग क्या होगा, वो भी रोटेट होगा, तो उस स्प्रिंग की भी क्या टेंडेंसी होगी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करे। तो इस स्प्रिंग में जो टॉर्क लगेगा उसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। और ये जब ये वाला पार्ट जब रोटेट कर रहा था, जब कॉइल रोटेट कर रही थी, तो कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा उसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो कॉइल पे जो टॉर्क लग रहा है, जो उसे घुमा रहा है, दैट इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसकी टेंडेंसी क्या होगी पॉइंटर को आगे को मूव करने की। एंड द रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग पे लग रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी इस पॉइंटर को वापस लेके जाने की। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जब आपके पास ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों, तब पॉइंटर यहाँ पे स्टेशनरी आ जाएगा और आप अपनी रीडिंग लोगे। नाउ वी विल डिस्कस द थ्योरी एंड द वर्किंग। अब अल्फा यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं विच नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड। ये प्लेन ऑफ कॉइल है, दिस इज कॉइल, ये इसका प्लेन है। और अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस कॉइल पे तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगी। सपोज ये आपकी कॉइल है तो इस पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगी। तो दिस इज अ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अल्फा हम एंगल ले रहे हैं बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम बाहर से करंट की सप्लाई देंगे तो ये जो कॉइल है इस पे टॉर्क लगेगा और ये डिफ्लेक्ट होगी, रोटेट होगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज गिवन बाय NIBA साइन अल्फा। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इज दिस मच। सो ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अल्फा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री। जिस भी पोजिशन में ये कॉइल आ जाए हमेशा अल्फा 90 डिग्री रहेगा। तो देयरफॉर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू NIBA बिकॉज वी विल सब्स्टिट्यूट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1। तो ये हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू आ गई। ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल रोटेट्स एंड द सस्पेंडेड वायर इज ट्विस्टेड एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप इन द सस्पेंशन वायर। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू होती है That is directly proportional to theta. मतलब जितना ज्यादा ये spring twist करेगा उतना ज्यादा restoring torque develop होगा। Here K is the torsion constant of the spring. ये spring की property पे depend करेगा कि K की value कितनी आएगी। हमने वो spring लेना होता है जिसकी K की value कम हो, तो वो बहुत soft spring होते हैं जिनकी K की value कम हो। Because जितनी ज्यादा K की value हमारी कम होगी उतना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज मूविंग द पॉइंटर इन वन डायरेक्शन एंड रिस्टोरिंग टॉर्क हैज टेंडेंसी टू अपोज द मोशन ऑफ पॉइंटर। तो जैसे सपोज हमारी यहाँ पे रीडिंग आ गई, तो यहाँ पे जब रीडिंग आएगी तो पॉइंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब आएगा व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। सो NIBA इज इक्वल टू K थीटा। तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी K ओवर NBA थीटा विच इज इक्वल टू G थीटा। ये जो G है दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे K भी कांस्टेंट है, NB एंड A आर आल्सो कांस्टेंट। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, N आर द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये सब कांस्टेंट है। सो हियर G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। नाउ अगेन टेकिंग दिस इक्वेशन NIBA इज इक्वल टू K थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, NBA ओवर K इंटू I। अब ये सारा क्या है फैक्टर, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल। कि जितना ज़्यादा इस करंट इस वायर में करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा उसकी डिफ्लैक्शन होगी, मतलब डिफ्लैक्शन करंट के प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से दैट डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर।
So this is how we can measure small values of current through the galvanometer by measuring the diffraction in the galvanometer. अब जो galvanometer हम use कर रहे हैं, we are using it to find very small value of currents. So हमें जो galvanometer चाहिए वो एक sensitive device चाहिए. Sensitive का मतलब है that it can measure the current of the order of few microamperes or milliamperes. So a galvanometer is said to be sensitive. It shows large diffraction for small currents. कि अगर बहुत कम current भी है, उसकी भी वो measurable diffraction दे दे, इतनी diffraction दे दे कि हम उसे आराम से measure कर सके. अब फिर से हम वही equation लेंगे that deflecting torque is equal to restoring torque, that is NIBA is equal to K theta. तो जो थीटा है वो किसके इक्वल है, एन बी ए के ओवर आई. अब हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए, थीटा हमें ज्यादा चाहिए इवन फॉर द स्मॉल करंट्स. तो अगर हमें थीटा ज्यादा चाहिए मतलब ये जो सारा फैक्टर है दिस शुड बी लार्ज. अब इसे लार्ज बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एन बी ए को लार्ज कर देंगे और के को स्मॉल कर देंगे. अगर इनको लार्ज कर देंगे तब भी थीटा लार्ज हो जाएगा और अगर के को स्मॉल कर देंगे तब भी थीटा लार्ज हो जाएगा. तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आई थीटा कैन बी लार्ज इफ एन बी ए ओवर के इज लार्ज. सो दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग बी. और बी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करके. वैल्यू ऑफ के को डिक्रीज कर सकते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग्स यूज करके. वो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग्स यूज कर रहे हैं या फिर क्वार्ट्ज स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं. बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों फैक्टर्स हम इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन एक चीज इसमें आपने नोट करनी है कि एन एंड ए जो है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दे कैनॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. बिकॉज अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है बहुत बल्की एंड अनमैनेजेबल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस टू टर्म्स, दैट इज करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. सो करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. कि जब यूनिट करंट फ्लो कर रहा है तब उसमें कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IS व्हिच विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन ओवर यूनिट करंट फ्लो, दैट थीटा अपॉन आई. एंड हमने पहले डिस्कस किया था दैट NIBA, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. तो अगर यहाँ से हम थीटा और आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो NBA अपॉन K आएगा. दिस इज नथिंग बट करंट सेंसिटिविटी. सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे थीटा बाई वी. अब वी किसके इक्वल होता है यूजिंग ओम्स लॉ, आई इन टू आर. तो यहाँ पे भी हम थीटा अपॉन आई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा एन बी ए ओवर के आर. सो दिस इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स प्रिंसिपल, इट्स कंस्ट्रक्शंस, इट्स थ्योरी एंड हाउ इट वर्क्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर.